बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं सुनीता शर्मा, आपकी हिंदी विषय की अध्यापक। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई 2, जिसमें हमारा पाठ क्रमांक 3 चल रहा है ना, और पाठ का नाम था प्रेरक प्रसंग, है ना। प्रेरक प्रसंग मैंने आपको बताया था कुछ महापुरुषों की जीवनी से संबंधित कुछ भाग, कुछ अंश जिन्हें हम प्रेरणा के तौर पर अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, वो भाग हमारी पाठ्यपुस्तक में हमारे पाठ के अंदर दिए हुए हैं, जिन्हें हम पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पिछली कक्षा में बच्चों हमने श्री APJ अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरित एक अंश पढ़ा था, भाग पढ़ा था, जिसे हमने प्रेरणा लिखी, है ना। आज हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा के जीवन के विषय में और उनके जीवनी का एक अंश जो आज का हमारा प्रकरण है, घायल चिड़िया। उन्होंने अपने बचपन में कुछ ऐसा काम किया था जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ठीक है बच्चों, आपने इस प्रेरक प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं आपको मदर टेरेसा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। ठीक है, उनकी सभी महत्वपूर्ण बातों को मैंने श्याम पट पर अंकित कर लिया है, जिन्हें बारी बारी से मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो बच्चों हम मदर टेरेसा के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उनके जन्म और मृत्यु उसके विषय में देखते हैं। उनका जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया के कोप्से नगर में हुआ। ठीक है, पता चल गया। अब जो सबसे पहले मैंने जन्म के विषय में आपको बता दिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये एक शब्द आया है जिसके नीचे ये बिंदु लगा हुआ है ना। तो इसी शब्द के नीचे बिंदु क्यों लगा हुआ है? ये बिंदु हिंदी व्याकरण में इस बिंदु को हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह उन्हीं शब्दों या उन्हीं अक्षरों के नीचे या साथ लगाया जाता है जो किसी अन्य भाषा से हमारी हिंदी विषय या हिंदी भाषा में आया या अन्य भाषा से हमारी हिंदी भाषा में लिया गया हो, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह हो गया वो आगत शब्द हो गए। अब आगे देखिए बच्चों, निधन अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 5 सितंबर सन 1997 में। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं उनकी उपलब्धियों के विषय में कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की, क्या क्या किया, किन किन संगठनों से वो जुड़ी रही। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टर ऑफ चैरिटी द्वारा स्थापित 100 से अधिक स्कूल इन्होंने चलाए। एक संगठन है सिस्टर ऑफ चैरिटी, जिसके जिन्होंने 100 से ज्यादा स्कूल स्थापित किए, लेकिन उनको चलाया कि इन्होंने मदर टेरेसा। ठीक है, इन्होंने मदर हाउस की स्थापना की जिसमें वो ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा किया करती थी। उसके उपरांत इन्होंने निर्मल हृदय सेवाश्रम की स्थापना की जिसमें इन्होंने उन लोगों की सेवा का कार्य किया जो मृत प्राय थे, कि मरने के अधिक करीब थे, या जो लोग घायल होते हैं ना, जिनकी सेवा या जिनका इलाज कोई नहीं करना चाहता, उनका इलाज इन्होंने किया। चौथा था निर्मल शिशु भवन की स्थापना। निर्मल शिशु भवन, अब बच्चों जब शिशु जुड़ा हुआ है तो वो बच्चों से ही संबंधित होगा, बालकों से ही संबंधित होगा, तो इन्होंने ये अनाथ आश्रम की स्थापना की थी जिसमें वो अनाथ बच्चों या जिनका कोई नहीं है, जो बच्चे मतलब छोड़ दिए जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए इन्होंने स्थापना की थी इस आश्रम की, इस भवन की, जिनमें उन बच्चों का पालन पोषण मदर टेरेसा किया करती थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों पुरस्कार मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, APJ अब्दुल कलाम को भी कई पुरस्कार मिले थे।
उसी तरह में मदर टेरेसा को भी कई पुरस्कार मिले हैं, उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सरकार द्वारा बहुत से पुरस्कार दिए, जिनमें पहला था सन 1962 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्मश्री। सन 1972 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1979 में नोबल शांति पुरस्कार मिला और सन 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है बच्चों, इनकी उपलब्धियां, इनके पुरस्कार मैंने आप लोगों को बता दिए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। एक और तथ्य है बेटा, इन्हें या इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में नन बनने का निर्णय लिया। नन बनने का निर्णय अर्थात घर बार छोड़कर लोगों की सेवा कार्य करने का इन्होंने निर्णय लिया। तो मदर टेरेसा के विषय में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं, पढ़ते हैं इनके जीवन से संबंधित प्रेरणा प्रसंग, बचपन का प्रसंग है बच्चों इनके जीवन का, जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। उसमें क्या है या क्या बात चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। एग्नेस नाम है मदर टेरेसा का, उनकी माँ उनको इस नाम से पुकारती है, एग्नेस तुम क्या कर रही हो। तो जो जब वो बच्ची होती है, जब का ये प्रसंग है बचपन का, तो वो डर जाती है अपनी माँ के इस कथन को सुनकर। वो कहती है माँ, मैं जैसे बच्चे डर जाते हैं ना किसी कार्य को माँ से छुपा के या अपने माँ बाप से छुपा के करते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं उनके पूछने पर। तो उनकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, माँ मैं ची ची ऐसे धीरे धीरे रुक रुक कर वो शब्द बोल रही थी। तो फिर वो थोड़ी सी धीरज रख के अपनी माता को बताती है, माँ ये चींची चिड़िया है, ये घायल है। तो माँ कहती है कि तुम ये दवाई और पट्टियाँ लिए क्यों बैठी हो। तो कहती है कि इस ये घायल चिड़िया बहुत ही दुख में है, पीड़ा में है, मैं इसकी दवाई पट्टी करूँगी, अर्थात इसको दवाई लगाऊंगी और इसकी पट्टी करूँगी, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इसकी देखभाल करूँगी। अब उनकी माता को थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में एग्नेस किसी पक्षी के विषय में ऐसा सोच सकती है कि उस पक्षी की पीड़ा और जो वेदना है उसे एग्नेस यानी मदर टेरेसा महसूस कर रही है। तो आप लोग भी करते होंगे, अगर कोई घायल पक्षी देखते हो झट से उसके लिए पानी ले जाते हो या उसको दवाई ले जाते हो, अपने माता पिता से बोलते हो चलो उसको दवाई या पट्टी करते हैं, उसको दिखाते हैं किसी डॉक्टर को, करते हो ना। ऐसे ही मदर टेरेसा ने भी एक छोटा सा प्रयास किया, अपनी माता से कहा कि मैं इसकी दवाई करूँगी या इसका इलाज करूँगी, इसकी देखभाल करूँगी। कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों तक मदर टेरेसा उसकी देखभाल करती रही, उसके पूरे खान पान का ध्यान रखती रही, और कुछ दिनों में क्या होता है वो पक्षी ठीक हो जाता है और ठीक होकर वो उड़ जाता है। तो उनकी इस बात से उनकी माता प्रभावित हुई कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में किसी दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर रही है, और वो ही छोटी बच्ची एग्नेस बड़ी होकर क्या बनी, हमारी मदर टेरेसा। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको मदर टेरेसा के जीवन की बात। बचपन की बात थी, प्रेरणा का स्रोत था, इससे हमें क्या प्रेरणा मिली, पहली बात तो ये इससे हमें प्रेरणा मिली कि कोई भी प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या कोई जानवर हो, अगर वो किसी संकट में है या किसी पीड़ा में है तो हमारा सबसे पहला धर्म यही बनता है कि हम उसको उसकी पीड़ा से मुक्त करें। अगर वो घायल है तो उसका इलाज कराएं, या वो किसी चीज में फंसा हुआ है तो उसे मुक्त कराएं, है ना। अगर कोई इंसान है या उसे किसी काम को करने में परेशानी आ रही है तो उसकी सहायता करें। आशा करती हूँ आज का जो हमारा प्रेरक प्रसंग है मदर टेरेसा का घायल चिड़िया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न है, जैसे बताती हूँ आपको, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि घायल चिड़िया प्रेरक प्रसंग किस महापुरुष से या महायुक्ति से संबंधित है, किसे संबंधित है, मदर टेरेसा से। ठीक है, उसमें क्या वर्णन किया गया है,
घायल चिड़िया प्रेरक प्रसंग में किस बात का वर्णन किया गया है? तो आप बता सकते हो एक घायल चिड़िया के विषय में बताया गया है जिसका इलाज मदर टेरेसा बचपन में करती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? और आज मैंने आपको बताया ये मुक्ता चिन्ह भी, आप समझिएगा इसको भी, और जो भी शब्द आपकी किताब में आते हैं उनके नीचे अगर ये बिल्कुल लगा हुआ होता है तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये आगत शब्द है। ठीक है, इससे संबंधित और भी जो पाठ में हमारे प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगी और आपको अपना पाठ एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में पढ़ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।